हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे मंथली फेवरेट प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जिन्हें मैंने लास्ट मंथ सबसे ज़्यादा यूज़ किए हैं, या फिर आप ऐसे भी कंसीडर कर सकती हैं कि वो प्रोडक्ट जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं। तो आई थिंक वीडियो का इतना इंट्रो काफ़ी है, स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। और नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए प्लीज़ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। मंथली फेवरेट प्रोडक्ट की जो सीरीज़ मैं शेयर करती हूँ, उसमें ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट इंप्रेशन किसी भी प्रोडक्ट का शेयर कर रही हूँ। मैं वही प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिन्हें मैंने थ्रू आउट मंथ यूज़ किया है, एंड मुझे वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट तो ऐसे भी हैं जिन्हें आप कई महीनों से देखते आ रहे हैं। तो आई थिंक वीडियो का इतना ओवरव्यू काफ़ी है, वे स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और एक एक करके मैं सारे प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इनका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं। सबसे पहला प्रोडक्ट है स्विस ब्यूटी के ये लिप लाइनर्स। अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने इनका पूरा सेट बाय किया था 12 का। हालांकि उसमें से कुछ शेड मैंने अपनी सिस्टर को दे दिए, क्योंकि 12 के 12 क्या ही करोगे। तो इनकी अगर मैं बात करूँ, कलर रेंज जो है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब मीडियम टू डीप डार्क सारे शेड आपको मिल जाएंगे। कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है। इनके साथ कोई शार्पनर नहीं आता है, तो आपको एक्स्ट्रा शार्पनर कैरी करना पड़ेगा। और एक बात जो इसमें माइनस पॉइंट है वो ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बट मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने लिप्स को लाइन करने के लिए, फिल इन करने के लिए इन लिप लाइनर को यूज़ कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मेरे पास ऐसी कई सारी लिपस्टिक हैं जिनका शेड बहुत ही, मैं ये कहूँ कि उनका शेड मेरे फेस के लिए अच्छा नहीं है, तो उन्हें मैं थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए या उनके शेड को चेंज करने के लिए लिप लाइनर्स यूज़ करती हूँ, बेस्ट है। आज भी मैंने अपने लिप्स पर थोड़ा सा ओम्ब्रे इफेक्ट देने के लिए इस लिप लाइनर को यूज़ किया है। शेड ये है बोल्ड मैट लिप लाइनर, और इसमें जो मेरा शेड है वो है बरगंडी 09। बहुत ही अच्छे हैं। एक कम प्राइस मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने लिप लाइनर कभी ऐसे बाय ही नहीं किया। जब मैंने बाय भी किया तो मैंने सेट में बाय किया, बट आई थिंक 10 से 15 रुपए का सिंगल आता है और मैं श्योर नहीं हूँ। बाकी काफ़ी अच्छे हैं अगर आप ट्राई आउट करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट, आजकल मैं सबसे ज़्यादा दो लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। पहला है शुगर का लिप क्रियोन, और इसमें जो मेरा शेड है वो है 05 रोज डॉसन, और दूसरा है शुगर पॉप का 06 एम्बर। एक शेड जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट है, जिसे आप कॉफ़ी ब्राउन कह सकती हैं। ये थोड़ा सा कैमरे पे नहीं दिख रहा है, बट ये कॉफ़ी ब्राउन है, आप इसे न्यूड में भी कंसीडर कर सकती हैं। और दूसरा जो है वो थोड़ा सा पीची पिंक कलर है, बट ये भी थोड़ा सा न्यूड ही है। हालांकि मेरे फेस पे ये थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है, बट मुझसे डीपर स्किन पे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे ये शेड ऐसा है विद मेकअप, विदाउट मेकअप बहुत अच्छा लगता है। और अगर मैं शुगर पॉप की इस लिपस्टिक की बात करूँ, तो हालांकि मुझे ऐसा कोई शेड पसंद नहीं है, ऑनेस्टली मुझे ऐसा कोई भी शेड नहीं पसंद है, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और मेरे फेस पे ये इतने अच्छे नहीं लगते हैं। बट फिर भी कई बार कई सारे शेड ऐसे होते हैं जो आपको पसंद आते हैं और आपको लगाने का मन भी करता है, तो शेड बहुत अच्छा है इन केस अगर आप ट्राई आउट करना चाहें तो। अगर आप मुझसे फेयर हैं तो डेफिनेटली ट्राई आउट ज़रूर करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट, वैसे तो सिंदूर मैं मोस्टली शेयर नहीं करती हूँ किसी भी वीडियो में या किसी भी ब्रांड का, बट इस बार मैंने थोड़ा सा अफोर्डेबल आप कह सकते हैं मैंने ट्राई किया। ये है कलर सेंस का सिंदूर, लिक्विड सिंदूर, और इसका जो प्राइस है वो है 150 रुपीज़, और सेल्फ लाइफ 36 मंथ है। और शेड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें दो शेड आते हैं, एक रेड और एक मरून। मैंने इसका रेड शेड बाय किया है। वैसे तो सिंदूर जो है जो हमारे यहाँ यूज़ होता है वो जो पीला सिंदूर जो पाउडर फॉर्म में आता है, हम वही यूज़ करते हैं। लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखने के लिए आप ऐसे सिंदूर यूज़ करते हो जो आगे लगाते हैं, अदरवाइज़ मांग में तो हम वही सिंदूर लगाते हैं। हाँ, वापस से आते हैं वीडियो पे। तो मैंने लैक्मी का सिंदूर यूज़ किया है, मैंने ब्लू हेवन का सिंदूर यूज़ किया है, मैंने लोटस का सिंदूर जो है वो यूज़ किया है, और मैंने लोकल ब्रांड के भी एक दो यूज़ किए हैं। मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका शेड जो है वो बहुत पसंद आया। मैंने जितने भी सिंदूर के शेड यूज़ किए हैं, लिक्विड की मैं बात कर रही हूँ, ये मोस्टली थोड़ी देर के बाद ना डार्क कलर के हो जाते हैं, मतलब
आई डोंट नो इनमें ऐसा क्या इंग्रेडिएंट है जो स्किन के कॉन्टैक्ट में आने के बाद या थोड़ी देर के बाद डार्क कलर का हो जाता है, तो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। बट इसके साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ये जब ड्राई हो जाता है तो पसीने के साथ बह भी सकता है, चिप भी हो जाता है, बट मैं सिर्फ और सिर्फ ये शेयर कर रही हूँ कि इसका जो शेड है वो ब्राइट रेड कलर वो एग्जैक्ट वैसे ही बना रहता है, इसलिए मुझे ये सिंदूर काफ़ी पसंद आया। तो मैंने सोचा कि मैं अपने किसी वीडियो में शेयर कर दूंगी, इन केस अगर किसी को पसंद हो भाई ऐसा सिंदूर जो अप्लाई करो तो वो पूरा रेड ही रहे, वो डार्क ना हो और ना ही उसका कलर जो है वो फेड हो जाए, तो ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट सीरम की बात कर लेते हैं। तो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का राइस वाटर एंड नाइसिनमाइड सीरम, और ये सीरम है ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल। इसका प्राइस है 649 रुपीज़। इसमें जो डाउनसाइड है वो है इसकी पैकेजिंग, क्योंकि ये है तो पंप पैक में, ये पंप काम नहीं करता है, तो मैं इसे एज अ स्पैचुला यूज़ कर लेती हूँ। पंप नहीं है ये, ड्रॉपर है। हाँ, सीरम की अगर मैं बात करें तो सीरम काफ़ी अच्छा है। एक दो यूज़ में तो मुझे इसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं दिखा था, इनफैक्ट मैंने 3 से 4 दिन यूज़ कर लिया था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैसे जो हैं वो वेस्ट हो गए। बट ऑनेस्टली बोलूँ तो ये सीरम थोड़ा स्लो वर्क करता है, बट हाँ वर्क करता है, अच्छा सीरम है। अगर आप ट्राई आउट करना चाहें तो ट्राई आउट कर सकती हैं। नेक्स्ट बारी आती है एक और मेकअप प्रोडक्ट की। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत टाइम से मैं अपने मंथली फेवरेट में मेकअप नहीं शेयर कर रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, मैं अपने वीडियोस के लिए मेकअप यूज़ करती हूँ, बट मैं घर पे मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ। थोड़ा सा नेचुरल स्किन भी दिखनी चाहिए, अच्छी है बुरी है वो सेकेंडरी मैटर है, बट नेचुरल स्किन भी दिखनी चाहिए। तो मेकअप में मैं यूज़ करती हूँ ये बेबी लाइट क्रीम, जो कि ऑल इन वन क्रीम है। इसमें एसपीएफ भी मिल जाता है, स्किन वाइटनिंग भी मिल जाती है, बहुत कुछ है, एंटी एजिंग भी है। फिलहाल मैं इसे एज अ बेबी क्रीम ही यूज़ करती हूँ। अगर आपको हल्की फुल्की कवरेज की ज़रूरत है, मीडियम कवरेज की ज़रूरत है, तो बहुत ही अच्छी है, लाइट वेट है और स्किन को इवन आउट कर देती है। तो छोटे मोटे फंक्शन के लिए, आप ऐसे भी कहीं बाहर जा रही हैं किसी फंक्शन के लिए, तो परफेक्ट बीबी क्रीम है, ट्राई आउट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट सनस्क्रीन, एक सनस्क्रीन तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ जो कि है डॉट एंड की। इसमें थोड़ा प्रोडक्ट बाकी है इसलिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। दूसरी सनस्क्रीन इस टाइम पे मैं मिनिमलिस्ट की यूज़ कर रही हूँ, उसकी पिक्चर मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी। बट वो सनस्क्रीन आज सुबह से मुझे मिल नहीं रही है, क्योंकि मेरे घर में भी एक तूफान है, तो अगर उनके हाथ सामान लग गया तो फिर दोबारा आपको नहीं मिल सकता है। तो मैंने बहुत ट्राई किया बट वो मुझे मिली नहीं, तो मैंने सोचा जाने ही दो, मैं सिर्फ ऐसे ही शेयर कर दूंगी कि हाँ वो सनस्क्रीन भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो दोनों ही सनस्क्रीन अपनी अपनी जगह पे अच्छी है। ये सनस्क्रीन जो है वो वाइट कास्ट नहीं देती है, मिनिमलिस्ट में थोड़ा सा वाइट कास्ट होता है। फिलहाल उसका रिव्यू मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, बट मैं जल्दी ही शेयर। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक टोनर जो कि है मिनिमलिस्ट का PHA टोनर। और अगर मैं इस टोनर की बात करूँ, मुझे ये टोनर काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे टोनर यूज़ करना काफ़ी पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टोनर मेरी स्किन का जो टेक्स्चर है उसे इम्प्रूव करने का काम करता है, इसलिए मैं टोनर यूज़ करती हूँ। और पोर्स को भी क्लीन आउट कर देता है, तो एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होती है। और दूसरा रीज़न ये है कि ये 2 महीने में एक्सपायर हो रहा है। इससे पहले कि ये एक्सपायर हो जाए मैं इसे यूज़ कर लूँ, इसलिए भी मैं इस टोनर को यूज़ कर रही हूँ। और फिलहाल ये मेरी सेकेंड बॉटल है। हाँ, रिव्यू मैंने शेयर नहीं किया है, बट प्रोडक्ट जो है वो सच में अच्छा है। तो अगर आप ट्राई आउट करना चाहें, अगर आपको ज़रूरत है तो। नेक्स्ट बारी आती है एक और प्रोडक्ट की, और वो फिलहाल आपको पता ही होगा क्योंकि वो मैं बहुत शेयर करती हूँ। और ये है एस्टिक सीक्रेट का ये क्ले फेस मास्क। ये मुझे हमेशा से ही पसंद था। हाँ, ये प्राइसी है, ये पॉइंट मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। दूसरा, ये बहुत जल्द एक्सपायर भी होने वाला है, इसलिए भी आजकल मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब ये है कि वीक में 2 से 3 बार तो मैं इसे ज़रूर यूज़ कर लेती हूँ, जिससे कि मैं इसे एटलीस्ट थोड़ा तो कंज्यूम कर लूँ इससे पहले कि ये एक्सपायर हो जाए। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा टेक्स्चर है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है या बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट हैं, तो आप इस फेस पैक को ट्राई आउट ज़रूर करिएगा। इवन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, देन फिर भी आप इस प्रोडक्ट को ईजिली यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट सेंसिटिव स्किन के लिए भी सेफ है।
अगर इसके अलावा मैं बात करूँ तो इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट न्यू भी ट्राई आउट किए हैं, पुराने भी यूज़ किए हैं, बट उन सभी को मैं इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको मंथली फेवरेट में वही प्रोडक्ट शेयर करने चाहिए जो एक्चुअली आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। और सेकंड थिंग की अगर मैं बात करूँ, मैंने कोई हेयर केयर नहीं शेयर किया, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि मोस्टली मेरा हेयर केयर जो है ना वो सेम ही है, मतलब मैं ऐसे चेंज नहीं करती हूँ तब तक एटलीस्ट 3 से 4 महीने तक, जिसे मुझे फुल्ली आइडिया मिल जाए कि हाँ प्रोडक्ट मेरी स्किन के लिए सेफ है, वर्क कर रहा है या नहीं। और जो मैंने ई मेगा मार्ट से हेयर केयर ब्रांड बाय किए थे, हेयर केयर प्रोडक्ट, उनका रिव्यू मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी क्योंकि उनमें से कुछ प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो फिलहाल ये था मेरा आज का मंथली फेवरेट प्रोडक्ट। इस महीने आपने कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किए हैं या कौन सा न्यू प्रोडक्ट आपने ट्राई आउट किया है या पुराना ही आपने कौन सा प्रोडक्ट कंटिन्यू किया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।